हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लेके आए हैं मटर मशरूम की सब्जी, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और बहुत इजीली बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या डालूँगी उसमें। ये देखिए, रिफाइंड ऑयल लिया मैंने, प्याज लहसुन का पेस्ट लिया है और टमाटर का पेस्ट लिया है, धनिया की पत्तियाँ बारीक बारीक कट कर ली हैं, मशरूम लिया उनको अच्छे से धो लिया है, और ये मटर लिया उसको भी अच्छे से धो के मैंने पानी ऐड करके रख रखा है। और ये सारे जो मसाले जितने जितने मैं ऐड करूँगी वो आपको हैंड टू हैंड बताती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये काला नमक भी ऐड करूँगी मैं इसमें। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने गैस ऑन कर ली है। ये हल्की सी गर्म हो जाएगी, मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करूँगी इसमें। ये देखिए, अब ये हल्का जब गर्म हो जाएगा मैं इसमें जीरा पाउडर और हींग, एक चुटकी हींग ऐड करूँगी। देखिए अब तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। गैस सिम कर लेते हैं थोड़ा, जिससे कि जीरा जले ना। ये देखिए, इसको हल्के हल्के चलाते रहना है जिससे कि ये जले ना। अब मैंने जो इसमें प्याज का और लहसुन का पेस्ट ले रखा था उसको ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से चला देंगे। इसमें 1 चुटकी हींग ऐड कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 2 तेजपत्ते के पत्ते ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, अब इनको अच्छे से चला देंगे। ये जो प्याज का पेस्ट है इसको लाइट ब्राउन होने तक हमें ऐसे ही चलाना है। ये देखिए, फ्रेंड्स मैं इसमें जो लाल मिर्च पाउडर होता है, जो कलर वाला कश्मीरी मिर्च, उसको ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये मैं प्याज के पेस्ट में ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड नहीं किया है, जिससे कि इसमें कलर अच्छा है ग्रेवी के अंदर, इसलिए मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको अच्छे से चला लेना है। जो हमारा पेस्ट है वो अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें टमाटर का जो पेस्ट है वो ऐड कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको भी अच्छे से चलाना है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दही लिया है, उसको ऐड कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून दही है, मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से चलाना है जब तक ये इसमें अच्छे से मतलब उबाल ना आ जाए, नहीं तो दही फट भी जाएगा अगर हम चलाएंगे नहीं तो। इससे जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनेगी। देखिए अच्छे से जब तक ये पक ना जाए हम इसको चलाते रहेंगे, क्यों अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो ये फट जाएगा दही। ये देखिए, देखिए ये ऑयल छोड़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये मसाला अच्छे से पक गया है। मैं इसके अंदर अब हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून ऐड करूँगी, क्योंकि ये देखिए अब मैं इसमें मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो, अगर आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लेना, बट मुझे कम पसंद है इसलिए मैं 1 टेबल स्पून ही ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी, वो मैं 4 टेबल स्पून ऐड करूँगी। मैं
मैं 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो कम या ज़्यादा। अब मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा ग्रेवी का कलर आया है। ये देखिए, मैं इसमें काला नमक भी ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, इससे स्वाद और बढ़ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको अच्छे से चला देते हैं, अब इसको पकने देते हैं। जब ये ऑयल और ऊपर आ जाएगा, छोड़ देगा अपना ग्रेवी ऑयल छोड़ देगा, तो समझो पक गया है अच्छे से। फिर मैं इसमें मटर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें मटर ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से चलाना है। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, जब तक मटर पक नहीं जाती। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स मैं इसमें 1 टेबल स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट और अच्छा लगेगा। अब मैं इसको ढक के रख रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें मशरूम ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैं इसमें ना 1 बॉयल पानी ऐड किया है, क्योंकि अभी ये पकेगा पानी तो जल जाएगा सारा। ये देखिए, मैं इसको अच्छे से चला दूंगी। अब मैं इसको दोबारा ढक के रख दूंगी। ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा से धनिया पत्ते ऐड कर रही हूँ, और मैं ऊपर से ऐड करूँगी बाद में जब मैं इसको गार्निश करूँगी। अभी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। हम इसको ढक दे दोस्तों, मैं इसको 15-20 मिनट तक पकने दूँगी अच्छे से, जिससे कि मशरूम अच्छे से पक जाए। फिर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँगी कैसी बनी है। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी अच्छे से बन चुकी है। अब मैं इसको एक बार चला देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए ग्रेवी में कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हमारी मटर मशरूम बन के रेडी है, अब मैं उसको सर्व कर देते हैं। अब मैं इसको धनिया से गार्निश कर देती हूँ। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स बनके रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स अगेन।